समष्टि अर्थशास्त्र में आज हम आय का चक्रीय प्रवाह देखेंगे। एक अर्थव्यवस्था में तीन क्रियाएं कभी नहीं रुकती हैं। सबसे पहले वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन उत्पादकों के द्वारा हो रहा हो या सेवाएं उत्पादकों के द्वारा सेवाओं के उत्पादकों के द्वारा उत्पादित करी जा रही हों या फिर साधन सेवाओं के रूप में वो घरेलू क्षेत्र के द्वारा दी जा रही हों। दूसरा है आय का सृजन, मतलब आय का निर्माण जो मजदूरी ब्याज तथा लाभ के रूप में लगातार चलता रहता है। और तीसरा है व्यय, जो उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय के रूप में एक अर्थव्यवस्था में लगातार चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। और आप ये जानते हैं उत्पादन आय तथा व्यय, जिन तीन क्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये तीन की तीन क्रियाएँ प्रवाह है। कल हमने स्टॉक और प्रवाह के बारे में देखा था, उसमें से उत्पादन आय तथा व्यय प्रवाह है। इस प्रकार आय के चक्रीय प्रवाह का विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर एक, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन से आय का सृजन होता है या वितरण होता है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन से जो उत्पादकों के द्वारा की जाती हैं उनसे आय बनती है, आय का सृजन होता है और फिर उस आय को वितरित किया जाता है परिवार क्षेत्र में। दूसरा चक्रीय प्रवाह का विवरण है, आय होने के कारण व्यय किया जाता है। जब आय किसी को प्राप्त होती है तो वो उस आय से व्यय करता है, वो चाहे निवेश व्यय के रूप में करे या उपभोग व्यय के रूप में करे, ये हम लोगों ने देखा था। तीसरा है व्यय से फिर पुनः मांग का सृजन होता है और मांग का सृजन होने से उत्पादकों को उत्पादन के लिए प्रेरणा मिलती है, उत्पादक उत्पादन के लिए प्रेरित होते हैं। उत्पादन से आय का सृजन होता है, फिर उस आय का व्यय किया जाता है। अब ये इस को एक बार हम और देख लेते हैं। व्यय से मांग का सृजन होता है, मांग बनती है, मांग फिर उत्पादन को प्रेरित करती है, उत्पादन से फिर आय का सृजन होता है, आय बनती है, आय का निर्माण होता है और फिर उस आय का व्यय किया जाता है। तो चौथा है, इस प्रकार उत्पादन आय तथा व्यय के मध्य चक्रीयता बनी रहती है, एक क्रम जो है साइक्लिक रूप में बना रहता है, चक्रीय रूप में बना रहता है उत्पादन आय तथा व्यय के रूप में, जिसका ना कोई आरंभ होता है ना कोई अंत, ना वो शुरू होता है ना वो अंत होता है, उसका कोई आरंभ नहीं है, आरंभ बिंदु नहीं है ना कोई अंत बिंदु है, तभी इसे चक्रीय प्रवाह कहा जाता है, इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार आय के चक्रीय प्रवाह को निम्नांकित चित्र के द्वारा दिखाया जा सकता है। ये चित्र जो हमने व्हाइट बोर्ड में बना हुआ है, एक क्षेत्र में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, उत्पादन के वजह से आय सृजन या आय का वितरण होता है, आय सृजन या आय का वितरण होता है, अब ये आय जिन लोगों में वितरित होती है वो इस प्राप्त आय से व्यय करते हैं, उपभोग व्यय या निवेश व्यय के रूप में, उपभोग व्यय या निवेश व्यय के रूप में। उपभोग व्यय या निवेश व्यय जहां पर किया जाता है वो और अधिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रेरित करता है और फिर ये प्रक्रिया जो है फिर चलती है, उत्पादन की वजह से आय का सृजन होता है, आय का वितरण होता है, वितरित आय व्यय की जाती है उपभोग व्यय या निवेश व्यय की वजह से और उस व्यय से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन पुनः प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार उत्पादन से आय सृजन और आय सृजन प्राप्त आय से व्यय, ये प्रक्रिया जो है एक लगातार चक्रीय क्रम में चलती रहती है, इसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में आज हमने आय का चक्रीय प्रवाह देखा, जिसमें उत्पादन आय और व्यय के बीच किस प्रकार से चक्रीय रूप से वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इन प्रक्रियाओं का कभी अंत नहीं होता, न ही शुरुआत होती है और अर्थव्यवस्था में लगातार विद्यमान रहती हैं, इनको पूरी तरीके से समझा। इसके आगे का भाग दूसरा कोई विवरण हम किसी अन्य वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।